आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे गाय के नस्लें, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे भैंस के नस्लें। तो चलिए हम लोग आज ये देख लेते हैं भैंस के नस्लें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नस्ल को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए भैंस के नस्लें चालू करते हैं। देखिए पहली जो है हम एक इसके बारे में एक बेसिक बता देता हूँ कि भैंस के नस्लें हमारे जो है पूरे इंडिया में दो टाइप से पाया जाता है, ठीक है। एक होता है कीचड़ वाली भैंस जो कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये एक होता है पानी वाले भैंस जो पानी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सर्वाधिक जो है कीचड़ वाली भैंस पाई जाती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है फेमस नस्ल क्या है, मुर्रा, ठीक है। मुर्रा जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, ठीक। मुर्रा को मुर्रा क्यों बोलते हैं, तो इसके सिंग मुड़ा हुआ है इसीलिए इसको मुर्रा के नाम से जाना जाता है। इसके सिंग कैसा है, सिंग जो है छोटे और घुंडीदार प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ओरिजिन जो है ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति स्थान कहाँ से है, तो रोहतक, हिसार, करनाल, नई दिल्ली के जो क्षेत्र है वहाँ पर इसके ओरिजिन है। इसका दूध पर लैक्टेशन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, 2000 लीटर एवरेज जो है 2000 लीटर है इसका पर लैक्टेशन मिल्क उत्पादन, ठीक है। दूध उत्पादन जो है पर लैक्टेशन कितना है, 2000 लीटर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा है, जो कि हमारे इंडिया का नस्ल है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है भदावरी, है ना। मुर्रा के बाद क्या है, भदावरी। भदावरी में ध्यान रखिए कि सबसे छोटी नस्ल है, जितने भी भैंस के नस्ल है सबसे छोटी नस्ल जो है भदावरी। इसका रंग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इसका रंग क्या है, कॉपर कलर, है ना, तांबे रंग का इसका जो है कलर दिखाई देता है। देखिए बाकी सभी भैंस में लगभग लगभग जो है ना 98% भैंस में जो है केवल जो है काला रंग के दिखाई देता है, केवल जो है इसको छोड़ के भदावरी का जो रंग होता है ये कॉपर कलर के यानी कि तांबे रंग का होता है, इसीलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें और क्या इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत। इसके दूध में जो है विश्व के जितने भी जो है आप पशु के दूध देख लो उसमें से सर्वाधिक वसा जो है इसके दूध में पाए जाते हैं, 13%, ठीक है। सर्वाधिक वसा जो है किसके दूध में, भदावरी नस्ल के दूध में पाया जाता है, 13%, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओरिजिन इसका क्या है, भदावर, चंबल या ग्वालियर क्षेत्र इसका जो है ओरिजिन क्षेत्र है, उत्पत्ति यहीं से हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है जफरावदी। जफरावदी में ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें गलकंबल विकसित होते हैं। देखिए जितने भी भैंस के नस्ल है ना किसी में गलकंबल नहीं पाया जाता है, केवल किस में पाया जाता है, जफरावदी, ठीक है। ये सबसे बड़ी नस्ल है भैंस में से, सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, भदावरी, सबसे बड़ी नस्ल है जफरावदी। जफरावदी को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है बॉडी वेट ध्यान रखिएगा 450 kg होता है, कितना, 450 kg। इसका ओरिजिन जो है कठियावाड़, जूनागढ़, गुजरात क्षेत्र है और इसमें गलकंबल पूर्ण विकसित होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नस्ल है सुरती, ठीक। सुरती का सिंग जो है ये बहुत फेमस है, इसका हसिया आकार है ना, दराती टाइप से जो है ये, आप लोग हसिया तो देखे होंगे, ऐसे टाइप से निकला हुआ, ऐसे टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हसिया टाइप से मुड़ा हुआ रहता है, तो ठीक सुरती के सिंग जो है कुछ इस प्रकार के दिखाई देती है, ठीक है, हसिया टाइप से दिखाई देती है। तो ये हसिया आकार जो है इसके सिंग होते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है, तो गुजरात है, ध्यान रखिएगा। मेहसाना, देखिए मेहसाना जो है ये एक इसका जो है संकर नस्ल है जो फेमस है और पूछता है बार बार, ठीक है, किससे किससे बना है, तो मुर्रा इंटू सुरती, ये दोनों के क्रॉस से बना है मेहसाना नस्ल। मेहसाना एक संकर भैंस के नस्ल है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन है मेहसाना जिला, महाराष्ट्र, गुजरात। इसके अलावा जो है दो नस्ल और हैं, नीली, इसको राबी के नाम से जानते हैं, और नागपुरी, ठीक है। तो ये जो है कुछ भैंस के नस्ल है, भैंस के ज़्यादा नस्ल नहीं है। इसका जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल क्या है, मुर्रा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मुर्रा है, भदावरी में है सर्वाधिक वसा प्रतिशत है, जफरावादी में गलकंबल विकसित है, सुरती में हसियाकर सिंह है, ठीक, मेहसाना जो है संकर नस्ल है, मुर्रा इंटू सुरती, यही सब जो है मेनली ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक। तो ये आपका भैंस का नस्ल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बकरी और भेड़ के नस्लें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए रहो, है ना।